Yo, what's up? Welcome back in a new video, guys. So, आज का टॉपिक ये रहने वाला है स्टार्ट योर यूट्यूब नाउ. क्यों ये सब? इसीलिए क्योंकि गाइज आप लोगों को मैं मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जैसे कि देखो, अगर आप अभी यूट्यूब स्टार्ट नहीं करोगे ना गाइज, आपको बहुत ही लॉस रहने वाला है. क्योंकि आपने बड़े बड़े यूट्यूबरों को तो देखा ही होगा, जैसे कि एक होगा फुकरान सान, मे बी है ना, फुकरान सान, अलीश यादव, सौरभ जोशी, ये UK07, समय रैना और ये फलाने फलाने, है ना गाइज. तो गाइज मेरा ये मकसद है कहने का कि आप अभी स्कूल में होगे, है ना, स्टडी कर रहे हो ऑब्वियसली, है ना, पढ़ाई करो, मन लगा के करो. ये जो थे बड़े बड़े यूट्यूबर, इन्होंने भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करी है, जॉब करी है, उसके बावजूद भी ये यूट्यूबर बने. क्यों? इनमें एक चुल थी भी कुछ अलग करना गाइज, है ना. मैं ये नहीं कह रहा भाई अपने स्टडी को साइड में कर दो बिल्कुल भी, स्टडी भी करो ये भी करो. आप बोलोगे इतना सब नहीं होगा. क्यों नहीं होगा गाइज? अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा? अगर देखो, अगर आप अभी ट्राई नहीं करो ना गाइज, आगे ज़िंदगी बहुत ही टफ होने वाली है. मैं लिख के ले लो मुझसे, मैं अभी 19 का हूँ एंड आई एम डूइंग जॉब ऑफ 25,000. ये भाई कुछ भी नहीं है, 25,000 कुछ भी नहीं है. इधर लोग करोड़ों करोड़ों में खेल रहे हैं भाई लोग. और अगर हम कुछ अलग नहीं करेंगे ना गाइज, अभी मेहनत, अभी देखो, अभी हम अभी से हार मान लेंगे ना तो आगे जाके बहुत ही दिक्कत आएगी. तो गाइज देखो, फ़ोन तो आजकल सभी के पास है, है ना. एक दो जना होगा, एक आधा परसेंट ऐसा होगा जिसके पास नहीं होगा, है ना, उसको नॉलेज भी नहीं होगा इस चीज़ का. अगर आप इस वीडियो तक आई हो, है ना, मैं ये नहीं कह रहा गाइज कि अभी से बनाओ, अभी से कुछ थोड़ा सा अपने दिमाग पे कंट्रोल करो, थोड़ा समय दो अपने आप को, भाई कर सकता हूँ. क्या करना है, जिन यूट्यूबरों को आप देखते हो ना गाइज, उन्हीं का कॉपी पेस्ट सेम अपने चैनल पे, मतलब एक चैनल बनाओ और उस पे अपलोड करना स्टार्ट कर दो. डे वन पे रिजल्ट नहीं आएगा, 110% की रिजल्ट नहीं आएगा गाइज. अगर आप मान के चलो डे वन पे नहीं आएगा, अगले आने वाले टाइम में तो भाई आएगा. कुछ तुम में भी इम्प्रूवमेंट होगी कंटेंट डालने में. क्यों, सही बोल रहा हूँ ना. और अगर तुम सोचोगे नहीं भाई, देखते रहोगे उनका वॉच टाइम इंक्रीज कराते रहोगे, गाइस पैसे तो उनके बनने, हमारा क्या, हमारा हम नेट का रिचार्ज कराने होएगा. और एक यूट्यूबर था अभी UK07 राइडर करके, और गाइस मैंने ना इसका एक अनफॉर्चुनेटली रील देखा, और उस पर गाइस पता क्या था, लैम्बोर्गिनी गाइस, पता नहीं कौन कौन सी फलानी फलानी गाड़ियाँ थी, वो भी 2-2 सीटर, है ना. और गाइज मैं जैसे ये दिख रही है ना आपको, सेम वैसे की गाड़ी थी. तो गाइज उसको देख के मैं इतना मोटिवेट हुआ ना. ये थी बात पिछले साल की, है ना. तो फिर तो मैं जब ये बिग बॉस में चल गया, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया सब कुछ. गाइज मेरा कहने का यही भाव है अभी आप सभी से, जितने भी मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हैं, तो गाइज कुछ मत कीजिए. जिस यूट्यूबर को आप देखते हो ना, उसको मन लगा के फॉलो करो गाइज, पूरा फॉलो करो जो चीज़ वो कर रहा है. मतलब ये नहीं कि उसका लाइफस्टाइल फॉलो करो. हाँ, उसके पास पैसे हम पे नहीं है गाइज, मैं हम कह रहा हूँ गाइज, ये नहीं कि तुम कह रहा हूँ मैं, है ना. क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ गाइज, है ना. मैं तुम लोगों को वीडियो एडिट से लेके थंबनेल एडिट, डिज़ाइन कैसे करना, पूरा स्टेप बाई स्टेप आने वाली वीडियो में बताऊँगा. और गाइज अगर तुम अभी से हार मान लोगे ना, नहीं होगा भाई, लिख के ले लो. अगर अभी तुम बोलोगे भाई नहीं हो रहा है, फ़ोन चलाएंगे, रील्स स्क्रॉल करते रहोगे, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं. इन्हों जो अभी थंबनेल पे थे ना बंदे, इन्होंने भी यही थिंकिंग ली कि भाई अगर ये चीज़ करना है तो नहीं होगा आने वाले टाइम. तो गाइज इन्होंने अपना माइंड सेट चेंज करा और इन्होंने उस पर काम करना शुरू करा. गाइज आपके सामने रिजल्ट है, 110% रिजल्ट है ना, क्योंकि आप भी उनको काफ़ी टाइम से देखते आ रहे होगे, है ना. तो गाइज यही था मेरा इस वीडियो में आपको बताने का माध्यम, है ना. और गाइज अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, ठीक है ना. इसको आप लिख लो कहीं पे कि एक यूट्यूबर था, एक बंदा था, ठीक है, उसके 50 सब्सक्राइबर थे, उसने पहले ही ये बात हमको समझाई थी, बट आई डिडंट फॉलो इट. क्यों गाइज, आपको हर चीज़ जो मैंने अभी बोली ना,
इसको दोबारा से सुनना और इस पे ना आप अमल करना। क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? सही तो बोल ही रहा हूँ। तो देखो, आपको बिल्कुल यही चीज़ करना गाइस। अगर आप उसको कॉपी करोगे तभी उसका कॉपी बनोगे ना। क्यों, कॉपी अभी करोगे तो भाई कॉपी तभी बनेगा भाई। मार्केट में कॉपी ही बिकता है, इन द सेंस बिकता भी पैसे से भाई, है ना? क्यों, अगर आप अभी कॉपी नहीं करोगे भाई कभी नहीं होगा, और आपको बाद में धक्के खाने पड़ेंगे। जैसे कितने करोड़ों आबादी है भारत की, ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहो। और आपको एक बड़ी मेरे से रिलेटेड स्टोरी है, मैं आपको शायद अगले पार्ट में, अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।